क्यों एग्जिट किया है उसके पीछे रीजन बताया है और यहाँ पर एग्जिट करके मैंने आज के दिन में एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ पैसे डाले हैं तो वो स्टॉक्स कौन सा है उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ बट याद रखिए वो स्टॉक्स का नाम है मिस्टान फूड्स बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये शेयर बता रहा हूँ तो इस शेयर से रिलेटेड कुछ भी बता रहा हूँ तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस करके आपको भी अपने भी। अपने सोच समझ के कि हाँ ये शेयर अच्छा है या नहीं है उसके बाद ही आपको यहाँ पर कोई पोजीशन लेनी है बट मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैंने यहाँ पर ये शेयर को बाई किया है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट जानेंगे बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फोर एवर आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और आपको यहाँ पर समझ में आए तो यहाँ पर देखिए हर एक शेयर में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं वो स्टॉक मार्केट का पार्ट है ओके okay, कभी वो पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाते हैं कभी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाते हैं तो याद रखिए उसमें से भी आपको बेहतरीन स्टॉक को चुनना एक कला होती है और उस कला को यहाँ पर आपको सीखना होगा और वो कैसे सीख सकते हैं हम डेली वीडियो डालते हैं तो यहाँ पर हर चीज के बारे में बताते हैं एक एक पॉइंट को अगर आप नोट करेंगे सीखेंगे जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस शेयर के पीछे ये रीजन है इस शेयर के पीछे ये रीजन है और यहाँ पर और भी मल्टी बैगर स्टॉक्स यहाँ पर चुन सकते हैं तो देखिए स्टॉक की कीमत कितनी है इक्कीस रुपए एक पैसे ओके यहाँ पर लगभग आज के दिन में फोर पॉइंट फोर सिक्स परसेंट ये शेयर भागा भी है अगर इस शेयर की मैं बात करूं इस शेयर को मैं पिछले कुछ दिनों से या कह सकते हैं कुछ महीनों से ओके मैं इसे लगातार आपको आ, बताता आ रहा हूं कि ये एक बेहतरीन स्टॉक है ये एक बेहतरीन स्टॉक है बार बार मैं आपको इस चीज से रिलेटेड बताता आ रहा हूं तो ये मिस्टान फूड सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई हम्म तो देखिए तीन वीक पहले भी यहाँ पर बताया था इसके बाद दो वीक पहले ही बताया था और और काफी बार मैंने रिलेटेड का सिंपल रीजन क्या है पहले यहाँ पर ये स्प्लिट दे रहा था, ओके, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंपनी क्या दे रही है बोनस दे रही है यहाँ पर वन रेशो वन का बोनस है ओके यहाँ पर मंडे मे थर्टी को यहाँ पर इनकी फिक्स रेट थी बट ये अब रिवाइज हो चुकी है रिवाइज होकर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जून में मतलब थर्ड ऑफ जून को Okay, जो कि फ्राइडे है यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया ये डेट और ए वन रेशो वन का यहां पर बोनस मिलता हुआ नजर आएगा मतलब ये शेयर या, इस हिसाब से टूटता हुआ नजर आएगा तो कंपनी करती क्या है सबसे पहले जान लीजिए कंपनी ब्रांडेड राइस में ओके okay, यहाँ पर ब्रांडेड राइस होता है ओके okay, उसमें ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है कंपनी के यहाँ पर आप जाएंगे और देखेंगे तो कंपनी ये जो प्रोडक्ट्स है आपको यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट भी मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन काफ़ी रिच यहाँ पर इनके जो राइस होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं क्योंकि हर तरीके के राइस यहाँ पर बनाते हैं और इसके साथ साथ ये आ, उसकी बनाने की आ, इनके रेसिपी भी देते हैं कि हाँ यहाँ पर ये इनकी रेसिपी है यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये अलग अलग रेसिपी से रिलेटेड यहाँ पर बातें करते हैं उनका जो राइस होता है वो यहाँ पर बासमती और यहाँ पर ब्रांडेड राइस होता है यहाँ पर देखिए वेजिटेरियन से रिलेटेड वो सब चीज़ यहाँ पर देख रखे नॉन वेज से रिलेटेड ये मतलब किस तरीके से यहाँ पर कुक किया जाता है वो सब चीज़ से रिलेटेड भी कंपनी बात करती है प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी वीट के वीट में भी यहाँ पर कंपनी काम करती है इसके अलावा कंपनी दाल में भी काम करती है और बासमती राइस में भी करती है और मोस्टली ये कंपनी का जो है ओके okay, ये किसमें करती हुई दिखाई देती है राइस में राइस इनके है और कहाँ जाते हैं फॉरन तक इनके राइस जाते हैं ओके okay, और ये कंपनी काफी ब्रांडेड है काफी बेहतरीन है हर तरीके से अच्छी नजर आती है और क्वालिटी प्रा, प्राइस देती है याद रखिए कम लोग का बहुत सारे लोग हैं जो प्राइस को नहीं देखते वो देखते है, क्वालिटी को है, एक क्वालिटी वाली है, एक कंपनी है जो कि यहाँ पर मल्टीपैगर साबित हो, हो चुकी है और अगेन साबित होगी क्यों होगी इसके फंडामेंटल्स कहते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए सबसे पहले कुछ जान लेते हैं इट इज एग्रो प्रोडक्ट कंपनी इज इन्वॉल्व इन देख चुके प्रोसेसिंग हुई दिखाई देती है, uh, से है और इन जनवरी दिया प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का प्रीमियम बासमती राइस में कंपनी काम करती नजर आती है हंड्रेड परसेंट रिवेन्यू फ्रॉम इंडियन मार्केट मतलब इंडियन मार्केट से ही इनका पूरा मार्केट आता है। इट ऑफ़ द द टोटल फ्रॉम साउथ साउथ इंडिया। इंडिया ओके मतलब ये में ज़्यादा बिकता और बासमती राइस कंट्रीब्यूट ऑफ़ द इन मतलब राइस से ही उनका 95 2019 में इनका आता हुआ दिया था मैनुफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो हिम्मतगढ़ गुजरात में अगर बात करें प्लांट यहाँ पर लोकेटेड फोर्टी फाइव तो मेट्रिक टन यहाँ पर इस तरीके से सब चीज यहां पर दे रखी है कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनी यहाँ पर कंपनी के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन भी थी आ, ए Allegation against the directors and the key manager personnel uh, of the company for mismanaging or uh, misappropriating misappro uh, of the funds of the forgery of the checks, the digital uh, signature leading uh, to a police complaint. Okay, in 5 uh, 2022, uh, sorry, 2020, the market regulators regulator SEBI impose a fine of 15 lakh on It want the company to be careful in, in, uh, in solve, uh, resolving investor complaint within the.

देखिए इस तरीके से जब मैं बात रहा हूँ एक तो ये कंपनी इस रीजन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई नजर आ सकती है दूसरी बात करें तो दूसरी बात मैं इसका एक बार यहाँ पर बी में दिखा देता हूँ आपको एक मिनट दे, देख देख लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं मिट्टान फूड्स तो मिशन फूड्स यहाँ पर एएसएम की लिस्ट में भी है और ए की लिस्ट में जो चार स्टेज होती है तो फोर्थ स्टेज लास्ट वाली मतलब यहाँ पर ऊपर वाली लिस्ट में यहाँ पर शामिल है तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए तो दो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स है कि यहाँ पर जो मार्केट इसे ऊपर जाने से रोक सकती है बट ये छोटा स्टॉक है तो छोटे स्टॉक में याद रखिए ऑपरेटर भी एक्टिव रहते हैं बट कंपनी की बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है जो की यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग एक करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है पी रेशो तेतीस का है इंडस्ट्री का चालीस है और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह शेयर सस्ता है आर ओ सी आर ओ ही बेहतरीन है थर्टी एट थर्टी सिक्स परसेंट की तो ऐसे आर ओ सी आर ओ ही कहीं नहीं मिलते याद रखिए जब भी ऐसे आर ओसी ऐसी स्मॉल कैप कंपनी में मिल जाए ना तो कंपनी कहीं ना कहीं बेहतरीन बैत, परफॉर्मेंस कर रही है तो चालीस परसेंट का डेट है कंपनी के ऊपर यहाँ पर देखिए और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी यहाँ पर चले जाते हैं तो देखिए है, कुछ चीजें हैं चार्ज यहाँ पर ध्यान रखिए दो हजार पंद्रह से सोलह से कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी है उसके बाद ये शेयर ऊपर भी गया फिर नीचे गया कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें एक पीयर कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो एलटी फूड से कर सकते हैं एलटी फ्रूड का नाइन का पी है इसका थर्टी थ्री का पी है इसके अलावा मार्केट के आप यहाँ बात करें एल्टी फूड्स की ज्यादा है इसकी कम है इसके अलावा आर की बात करें तो आर ओ सी फूड्स का ज्यादा है इसका कम है इसके अलावा यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो देखिए इनका क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर वेरिएशन यहाँ पर ज्यादा है इनका कम है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं एल्टी फूड्स का नाम सबको पता है मिश्टान फूड्स यहाँ पर साउथ में ज्यादा बिकता हुआ नजर आता है बट कंपनी यहाँ पर बेहतरीन है इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा बट ये एल्टी फूड्स थोड़ी बड़ी कंपनी है और ये कंपनी थोड़ी छोटी कंपनी है और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट तो कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट देखिए कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है एक सौ करोड़ का हाईएस्ट एवर सेल्स पेश किया ओके कंपनी ने ख... आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस को कम किए यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने आप एक्सपेंसेस uh, मतलब मटेरियल कॉस्ट को यहाँ पर कम कर दिया जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़ा प्लस में इनके मार्जिन बढ़ गए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दो परसेंट का मार्जिन पंद्रह परसेंट का हो गया तो ये क्या है ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ओके okay, और जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं याद रखिए तीन महीने के लिए आ, कम से कम तीन महीने की बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म में तो तीन महीने तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहेगी इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिए नेट प्रॉफिट देखिए ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा है और कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है ये भी देख सकते हैं कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पर इस बार की सेल्स है इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर है कंपनी का और ऐसा नहीं है कि वेल यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन नंबर अच्छे हैं कंसोलिडेट नंबर भी देखेंगे वो भी यहाँ पर देखिए मार्जिन ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इसके अलावा कंपनी का बैलेंस शीट इक्यावन करोड़ देखिए लगातार यहाँ पर रिजर्व बढ़ा है बोराइंग यहाँ पर कम होती ही नजर आ रही है और बॉरइंग का कम होना कहीं ना कहीं सिग्नल है कि प्रोमोटर्स कहीं ना कहीं बात का, का, काम करना चाहते हैं कंपनी को लेकर दे आर सीरियस इसके अलावा बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग फोर्टी है एज इट इज है पब्लिक की बात करें पब्लिक का फिफ्टी के आसपास की होल्डिंग है जिसमें से अगर बात करें फोर्टी से फोर्टी की हिस्सेदारी बड़े बड़े लोग हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर देखिए कन्नक कुमार पटेल जी ने तो यहाँ पर बढ़ रही है और थोड़ी सी ही मार्केट में सौ करोड़।, करोड़ तो कोई भी मैन्यट कर सकता है कोई भी बड़ा रिच इंसान दो तीन कार्ट मिलके दो यहाँ पर दो चार लोग मिलके इजीली मैनुपुलेट करके शेयर को ऊपर ले जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर अब ऊपर अपर सर्किट में चलता हुआ नजर आ रहा है ओके शेयर यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा आई नो और सपोर्ट की बात करें तो अभी यहां पर ये ये सपोर्ट बन गया जब तक इंटैक्ट है चीजें गिरती हुई नजर नहीं आएगी बट यहाँ से गिरा तो याद रखिए चीजें यहाँ पर आके सीधे यहाँ पर पंद्रह रुपए पे आ सकती है तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखा जा सकता है बट इसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये इकतीस रुपए का टारगेट बीस इक्कीस रुपए पे शेयर चल रहा है सीधे दस रुपए और इसके अलावा यहाँ पर इकतीस को भी अगर इसने क्रॉस किया तो सीधे यहाँ पर उनतालीस रुपए जो इसका हाई था यहाँ पर उनतालीस रुपए दस पैसे इसे भी पर टच करता हुआ नजर आएगा और पॉइंट की बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए इसने हाई क्या लगाया था मैंने अभी आपको दिखाया था हाई इसने लगाया था कुछ दो में तिरसठ रुपए का ओके तिरसठ रुपए का इसने हाई लगाया था यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पर चार्ट चार्टे देखेंगे कि इसने मैक्सिमम चार्ट पे निकाल लेता हूँ तो इसने तिरसठ रुपए का ओके okay, 2019 में यहाँ पर इसने हाई लगाया था और यहाँ पर आप देखेंगे 2019 अप्रैल में तो यहाँ पर मैं एक बार कंपैरिजन कर लेता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग क्या मार्जिन uh, पांच का था मार्जिन यहाँ पर बढ़ा है एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट छ करोड़ का था वो बाईस करोड़ का हुआ है तीन करोड़ का प्रॉफिट तेरह करोड़ का हो गया तो हर चीज में यहाँ पर बेहतर है यहाँ पर ये शेयर और यहाँ पर बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की भी दो में चार करोड़ की सेल्स थी जो की चार हो गई है यहाँ पर हाई इसने लगाया है बारह करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था इकतीस करोड़ का हुआ है और पांच करोड़ का यहाँ पर मार्जिन सॉरी पांच का मार्जिन दस का हो गया है, तो यहाँ पर हर हर चीज में यहाँ पर ऊपर है जो हर चीज में ऊपर है तो ऑबियसि बात है शेयर प्राइस को भी क्या होना चाहिए लगभग इस रेंज तक तो जाना चाहिए तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में भी अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं और यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी और बेकार टाइम में जब दूसरी कंपनी के मार्जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है ये कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है हर तरीके से तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है बट दो चीजों को माइंड में रखना है सबसे पहले तो एक ए एस एम की लिस्ट में दूसरा इनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं खोट भी नजर आता है जिस तरीके से यहाँ पर इनके केसेस चलते हुए नजर आया तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको यहाँ पर ट्रेड करना है आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना है और सारी की सारी नेगेटिव और पॉजिटिव सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है शेयर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है अगर शेयर इस लेवल को निकालता है तो फिर इसके बाद ये इसकी सेवनटी तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है शेयर काफी बेहतरीन है नो डाउट बट गिरावट भी याद रखिए जंप इस तरीके से आती है तो गिरावट भी इसी तरीके से आती है फिर जंप इस तरीके से आती है गिरावट इस तरीके से आती है तो यहाँ पर आपको ये चीजें पर समझ के, ध्यान से, पर समझ के काम पहले भी शेयर मेरे पास थे मैंने अगेन यहाँ पर आज के रेट में शेयर खरीदे तो ये रिकमेंडेशन नहीं है याद रखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी हो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है और ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच कॉड प्लस